नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। रियो से फाइनली अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है और अच्छी खबर एक नहीं बल्कि तीन तीन आई है। सबसे पहले यह कि सानिया मिर्जा, रोहन और बोपन्ना मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनकी टक्कर वीनस विलियम्स और राजीव राम से होगी, लेकिन वो सिर्फ एक जीत दूर है एक मेडल से। दूसरी खबर यह कि बॉक्सर विकास कृष्ण भी 75 किलोग्राम में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आप जानते हैं कि बॉक्सिंग में जैसे ही आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं आपको मेडल मिल जाता है, यानी कि वो भी मेडल से सिर्फ एक जीत दूर है। हॉकी टीम का रात को कनाडा से उन्होंने ड्रॉ किया 2-2, और अब क्वार्टर फाइनल में उन्हें बेल्जियम से भिड़ना होगा। बेल्जियम मजबूत टीम है, इस ओलंपिक्स में शानदार खेली है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बादल हटने शुरू हुए और लगता है कि भारत के लिए अच्छी खबर रियो से आ सकती है। आज भारत के लिए क्या क्या है रियो में? गोल्फ में हालांकि लहरी और चौरसिया काफी पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके मुकाबले होंगे। शूटिंग में भारत को बड़ी निराशा हाथ में लगी, अब गुरप्रीत देखते हैं क्या करते हैं। 5:30 बजे 25 मीटर रैपिड फायर। शूटिंग स्कीट में मेहराज खान 6 बजे। महिला हॉकी टीम ने भी निराश किया है, अर्जेंटीना से मुकाबला 6:30 बजे।